इतना बढ़िया और आसान जगह पर देखिए एसी को कैसे लगाया है। एक भाग को ऊपर कर दिया, एक भाग को नीचे कर दिया, मैंने पूरे विकलांग बना दिया एसी को। दर्द तरीके रोड साइड में लगे होने की वजह से ये काफी गंदा हो गया। इनका कंडेंसर कॉइल देखिए पूरा का पूरा ब्लॉक है, इसलिए ठंडा भी कम करता है। इंडोर यूनिट जो यहाँ पर लगा हुआ है इनका ठंडा कर रहा है, ठीक है, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम ठंडा हुआ है, लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर से पानी टपकता है, ये मेजर दिक्कत है साला, ये हमको परेशान करता है। नहीं तो अभी हम आपको बुलेबो नहीं करते, कुछ दिन बाद बुलाते। पानी जो लीकेज हो रहा है ये नहीं सह पा रहे हम, इनको ठीक कीजिए पहले। पानियों जो इसके अंदर से लीकेज हो रहा है तो गंदगी के कारण, देखिए गंदगी कितना है इसके अंदर, कहीं ना कहीं ड्रेनेज ब्लॉक होगा। इनके पीछे वाला कॉइल पे हद गंदगी है साला, पपड़ी जमा हुआ है पूरा, देख रहे हैं परत जम गया है मोटा सा कचरा का। चलिए भैया, सर्वप्रथम जो हमारा कर्तव्य है कि हम कस्टमर के मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मतलब मेजर प्रॉब्लम यहाँ है कि पानी लीकेज वाला, तो वही चीज चेक कर रहे हैं कि साला पानी लीकेज कहाँ से हो रहा है। सर्विस तो बादों में कर देंगे। ये देखिए पानी यहाँ से निकलने लगा, पीछे वाले ट्रे से जो है टप 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 टपकने लगा, और यही पानी स्पीड धर लेता है बाद में। इनके पीछे के साइड से भी देख लीजिए कहाँ से निकल रहा है पानी। ये देखिए एक बूंद गिरा पानी पीछे से, ये पानी वाला पाइप निकला है पूरा ब्लॉक था। ये देखिए पत्ता उत्ता भरे हुआ था इसके अंदर, कोई कीड़ा मकोड़ा जो है, देखिए कितना पत्ता निकला है, देख रहे हैं पूरा गठली बना के पत्ता घुसा हुआ था इसके अंदर, इधरों है पड़ा हुआ, मारे हैं पेचकस से एकदम फेंक के निकला है बाहर। कॉइल को खोल के बाहर के तरफ खींचे हैं, अब देखिए इसके अंदर गंदगी साला, गजब गंदगी भरल है। मैं हो पीछे वाला कॉइल तो पूरे ब्लॉक है, अभी हम दिखाते हैं बढ़िया से। ये देखिए टॉर्च जला के, ये देखिए साला क्या गंदगी है इसके अंदर। कॉइल को अलगाए हैं तो ऐसे साफो नहीं हो पाता, ये जो ग्रिल उधर पीछे से रोकता। ये देखिए कितना गंदगी निकला है, अभी अधो नहीं मारे हैं, ठीक है, अभी पिछुए वाला कॉइल तो खाली साफ किए। फाइनली अब देखिए इंडोर यूनिट का कॉइल कितना चमक रहा है, चार राउंड पानी का मारे हैं तब जाके सारा का सारा गंदगी इसके अंदर से बाहर गया है। पीछे का कॉइल देखिए, अब ये देखिए पीछे का कॉइल पहले कैसा था, अब देखिए कैसा है। अब आया है आउटडोर यूनिट के क्लीनिंग का बारी। तो भैया आउटडोर यूनिट तो अत्यंत गंदगी से भरपूर है, चलिए इसका गर्दा उड़ाते हैं। अब पीछे से पानी मारने में नहीं बन पा रहा है, इसलिए आगे से हम कवर खोल रहे हैं, आगे से ही पानी मारेंगे तो बढ़िया तरीका से क्लीन होगा। अरे बाप रे बाप, ये देखिए कैसे गंदगी निकल रहा है साला, कितना भरल है। फाइनली अब एसी का पूरा कंप्लीटली सर्विस करके पैक पुक कर दिया एकदम बढ़िया तरीका से, वाटर लीकेज भी चेक कर लिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम हरा हरा के पानी सब निकल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व।